हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कई वैकेंसीज को कवर करने वाली हूँ। यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी यूजीसी एआईसीटीई एनसीटी नॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस पेड नहीं करनी है। कैंडिडेट बाय मेल या बाय पोस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ से मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हेलो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप यूजीसी नेट सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाए। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये फर्स्ट वैकेंसी की डिटेल है। ये वैकेंसी आई है JIMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। इस इंस्टीट्यूशन के दिल्ली एंड ग्रेटर नोएडा कैंपस के लिए ये वैकेंसी है। यहाँ से डायरेक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। एंड ये वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, लॉ में एंड मास एंड कम्युनिकेशन में। इन डिपार्टमेंट के इन एरिया में यहाँ पर वैकेंसी है। आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी स्पेशल एरिया को देख लेंगे। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट डायरेक्ट QR कोड पर जा सकते हैं, ये QR कोड दिया हुआ है, या कैरियर पेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग कैंपस के लिए अलग अलग वेबसाइट दी गई है। दिल्ली के कालकाजी कैंपस के लिए अगर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। अगर दिल्ली के वसंत कुंज कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे। एंड अगर ग्रेटर नोएडा कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट वैकेंसी CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है। ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। NEC के द्वारा इसे A++ ग्रेड मिला हुआ है। यहाँ से इन पोस्ट की वैकेंसी है। डीन्स, डायरेक्टर्स, सीनियर प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टीचिंग असिस्टेंट्स, ये वैकेंसी इन डिपार्टमेंट के लिए है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, MBA। MBA में यहाँ पर मार्केटिंग, HR, फाइनेंस में वैकेंसी है। MCA, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, इन डिपार्टमेंट के लिए कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को मेल करना है, जिसके लिए यहाँ पर मेल आईडी दिया हुआ है एंड मेंशन द पोजीशन अप्लाइड फॉर अलोंग विद द डिपार्टमेंट इन द सब्जेक्ट लाइन। तो अप्लाई करने में आप किस पोस्ट के लिए किस डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हैं ये मेंशन करना है। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिया हुआ है। एंड कैंडिडेट फॉर फैकल्टी पोजिशन शुड हैव, यहाँ क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये डिटेल दी हुई है। रिसर्च पब्लिकेशन इन रिपोर्टेड जर्नल, ये डिटेल को आप देख लेंगे। देन गाइज, यहाँ पर कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ एंड सपोर्टिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट वैकेंसी है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। ये अप्रूव्ड है AICTE से एंड एफिलिएटेड है MAKAUT से। NEC के द्वारा इसे ए ग्रेड मिला हुआ है। यहाँ इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ ईमेल आईडी दिया हुआ है एंड ये पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। ये इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर में स्थित है। यहाँ से टीचिंग पोजीशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। एंड ये वैकेंसी किन किन डिपार्टमेंट में है ये डिटेल देख लें। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सारी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। देन वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में,
मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, देन यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी है इन डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MBA, MBA में फाइनेंस में वैकेंसी है, फिजिक्स में वैकेंसी है, केमिस्ट्री में वैकेंसी है एंड मैथमेटिक्स में वैकेंसी है। डिटेल जानने के लिए कैंडिडेट इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि ऊपर दी गई है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पर हार्ड कॉपी सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म की परफॉर्मा इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड CV एज पर परफॉर्मा अवेलेबल ऑन वेबसाइट एलोंग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड रीच द रजिस्ट्रार जनरल हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। एप्लीकेशन की डेट 8 मई 2024 है, इट मीन्स 23 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म एड्रेस पर रिसीव हो जानी चाहिए। यहाँ रिटायर्ड पर्सन विद हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिबिलिटी एंड सैलरी AICTE नॉर्म के अकॉर्डिंग 6 पे स्केल रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है ओम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, यहाँ इसकी एड्रेस दी हुई है। यहाँ से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द ईयर एकेडमिक ईयर 2024-25। यहाँ से इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, यहाँ प्रिंसिपल के लिए भी 1 सीट की वैकेंसी है। देन यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है जिसमें प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है। EC इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है। देन मैथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन AICTE, UGC, GTU नॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। कैंडिडेट ओनली मेल के थ्रू अप्लाई करेंगे जिसके लिए यहाँ पर मेल आईडी दिया हुआ है एंड यहाँ अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 मई 2024 है। यहाँ इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, सारी डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर इन वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो अर्ली एज अप्लाई कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।